अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वबरक मोहतरम भाइयों बुज़ुर्गों और दोस्तों ये हमारा इसला ग्यारह सौ तीसवा सबक है मोहतरम दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ़ से बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स में पाँच पाँच सौ रुपये डाले गए अब उन्हीं पाँच सौ रुपये को हासिल करने के लिए हमारी बहुत सारी ईमान वाली बहनें बैंकों के सामने लाइन लगा के खड़ी हुई है एक साहब ने उसका वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे वो वीडियो डाला और उसी के साथ में उन्होंने एक मैसेज भी वायरल किया बोले देखो ये मुसलमान कौम की पर्दा नशीन माँ बहने हैं जो सिर्फ़ पाँच सौ रुपये के लिए एक किलोमीटर की लाइन लगा के यहाँ पे धूप में बैठी हुई है और अपने आप को जलीलो ख़ार कर रही है कहाँ है कौम के वो ठेकेदार और गुत्तेदार जो दस दस मरतबा उम्रे करते हैं पाँच पाँच मरतबा हज करते हैं कहाँ है, है मुसलमान कौम इस तरीक़े से उसके अंदर लिखा हुआ था अब यहाँ पर मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे पहली चीज़ कोई आदमी अगर दस मरतबा नहीं बीस मरतबा भी उम्र कर रहा है वो उसकी खुद की कमाई है उसकी अपनी हलाल कमाई है उसको हक हासिल है ना दस मरतबा नहीं भाई तो बीस मरतबा उम्रा कर हमको पेट में दर्द होने की हसत करने की जलन करने की और उसके ऊपर जो है इस तरीके से ताने मारने की हमको कोई राइट नहीं है उसका कोई हक़ है ही नहीं क्योंकि कोई भी इंसान हो चाहे दस मरतबा करो पंद्रह मरतबा करो बीस मरतबा उम्र करो कमाई किसकी है उसकी खुद की है तो जब वो खुद मेहनत कर रहा है कमा रहा है तो वो दस मरतबा पंद्रह मरतबा पचास मरतबा वो कर सकता है उम्र उसका माल है वो तो हम उसको इस तरीके से ताना नहीं मार सकते दूसरी तरफ पांच पांच मरतबा हज कर रहे हैं अरे भाई पांच मरतबा नहीं कोई अगर पचास मरतबा भी हज करे हर साल अगर हज करे तो मुझे आप बताओ ना उसको रोकने वाले उसके ऊपर जो है इस तरीके से ताना मारने वाले हम कौन होते हैं हमको कोई राइट नहीं है क्योंकि वो उसकी अपनी कमाई है उसकी ख़ुद की कमाई से वो चाहे हज करे उम्रे करे वो कर रहा है फिर मुसलमान कौम में इतनी गरीबी और अफलास क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जो मुसलमान जो चाहे पाँच सौ रुपये के लिए लाइन लगा रहा हो जो चाहे अनाज लेने के लिए लाइन लगा रहा हो जो चाहे आटा लेने के लिए लाइन लगा रहा हो जो चाहे चावल और गेहूँ लेने के लिए लाइन लगा रहा हो ये जितने लाइन में खड़े रहने वाले हैं ये ख़ुद अपना जायज़ा ले कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हम मोहताज और मजबूर बने हुए हैं और जहाँ कहीं पे भी हमको मालूम होता है कि मुफ़्त का माल तकसीम हो रहा है वहाँ पे हम लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं ये गुरबत और ये अफिलास जो है ना ये फ़ूल ख़र्चियों की वजह से है और मैं आपको बताता हूँ फ़जूल ख़र्चियाँ मैं आपको बताता हूँ यही लोग जो लाइनों में खड़े हुए हैं ये अगर अपने बहन बेटियों की शादियों में फ़ूल ख़र्ची नहीं करते थे अपनी ख़ुद की शादियों में फजूल खर्चियाँ नहीं करते थे ये दिन देखना नहीं पड़ता था अब मुसलमानों का हाल तो ऐसा है एक मरतबा मैं एक रास्ते से गुज़र रहा हूँ मैंने देखा कि पतरे का घर है पतरे का लेकिन बाहर डी जे बाज रहा बज रहा है डी जे धिंगाना म्यूज़िक चालू है वहाँ पर नाच रहे हैं लोग तो मैं रुक गया मैं बोला भाई क्या क्या मसला क्या है यहाँ क्या का डी जे बज रहा है अरे बोले मौलाना साहब ये जो पत्रों के ताजमहल में रहने वाले हमारे फुलाने जो भाई है उनके बेटे का आज बर्थडे है मैं बोला बर्थडे है बोले हाँ आज बर्थडे है उनके बेटे का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है तो मैंने कहा ये जो पत्रों के घर में रहते हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है रिक्शा इनका किराए का है हाँ बोले रिक्शा तो किराए का ही है तो बोले क्या हो रहा उसमें रिक्शा किराए का तो क्या अरमान रहते बोले लोगों के अरमान अरमान निकालने का था बोले उनको अब देखो रहने को घर नहीं है बराबर पतरे के घर में रह रहे हैं रिक्शा भाड़े का किराए का है और बर्थडे पे दस से पंद्रह हज़ार रुपये उड़ाने के लिए अब मुझे आप बताओ इसका ज़िम्मेदार कौन है कल को अगर उसी उसी आदमी के रिक्शे को उठाकर अगर वो जिसका रिक्शा है वो लेकर चला जाएगा इसके पास रोज़गार नहीं रहेगा और लोग बम मारेंगे इस उस महल्ले के मुसलमान ज़िम्मेदारों के नाम से और मुसलमान मालदारों के नाम से तो उन्होंने ठेका ले कर रखे गया ये अपने बच्चों के बर्थडे में दस दस पंद्रह पंद्रह हज़ार की फजूल खर्ची करेंगा भाड़े के रिक्शे चलाएगा पतरे के घर में रहेंगा तेरे को किसने बोला जो पंद्रह हज़ार रुपये तूने ख़र्च किया अरे वही पंद्रह हज़ार रुपये अगर भर कर तू चाहता तो तुझे नया रिक्शा मिल सकता था शोरूम से बजाए जिसका रिक्शा है उसको भाड़ा देने के अगर नया रिक्शा शोरूम से निकाल के तो वो भाड़े की बजाय वही रिक्शे के अगर हफ्ते भरता था अरे तू मालिक बनता था नए रिक्शे का मगर नहीं खुजली खुजली काय की खुजली बड़े पन की खुजली साड़ुओं को बताने का है हम भी हमारे बच्चों का बर्थडे कैसे मनाते हैं डीचे के साथ में इसकी वजह से बर्बाद हो रहे हैं मुसलमान ये गरीबी ये इफिलास ये फजूल खर्ची उसकी वजह से है ये बाकी कौन ज़िम्मेदार है इसके लिए दूसरों को ताने मार के फ़ायदे नहीं हैं जो लोगों को ताने मारते दस दस उें कर रहे पचास पचास हज कर रहे वो उनकी ख़ुद की कमाई पे कर रहे हैं और तुम्हारी जो हालत हुई ये तुम्हारी फजूल ख़र्चियों की वजह से किसने बोला था किसने बोला था बर्थडो के अंदर हज़ारों रू, हज़ारों रुपये ख़र्च करने का शादी ब्याह के अंदर मालेगाँव शहर के अंदर हमारे इसलाह मुआशरा के एक मेंबर है माशाल्लाह राइटर भी है उसके अलावा जो है बड़े आदमी है ख़ुद का हॉस्पिटल चलता है कई दुकानें वगैरह किराए से दी हुई है उसी के साथ साथ अल्लाह ने उस इंसान को दिल भी दिया है दीन के कामों में ख़र्च करने का तो अभी उनकी एक कारगुज़ारी मुझे वो सुना रहे थे बोले मौलाना एक बेवा औरत कुछ लोग उनके पास लेकर आए उस औरत को अरे बोले हाजी साहब बिचारी गरीब औरत है उसके बेटी की शादी का मसला है उसके पास में पैसे नहीं हैं तो इन्होंने उससे पूछे कि भाई तुम्हारे शादी का बजट कितना है कितने में शादी हो जाएंगी पचास पता चला कि पचास हज़ार रुपये के अंदर जो है वो शादी हो जाएंगी तो इन्होंने उठाए पचास हज़ार रुपये उसको दे दिए क्योंकि हमारे ये जो दोस्त है इनका ख्याल ये था भाई पचास हज़ार रुपये काफ़ी है पचास हज़ार रुपये में ज़रूरियात का सामान आ जाएगा कपड़े वगैरह आ जाएंगे सारी चीज़ें इन शाला पचास हज़ार रुपये में हो जाएंगी लेकिन जब वो शादी हो गई ये उस शादी में शरीक नहीं हो सके क्योंकि वो लोग दूसरे किसी शहर से इनके पास में आए थे इमदाद लेने के लिए लेकिन उन्होंने शादी की तस्वीरें वगैरह इनको भेजे शादी के अंदर कैमरा मैन घूम रहे हैं कैमरा मैन देखो भीख मांग कर जो की गई शादी है उसमें कैमरा मैन घूम रहे हैं उसके अलावा डीजे धींगाना पता चला बड़े हॉल के अंदर वो शादी की गई और वो औरत ने इसी तरीक़े से कई लोगों से पचास पचास हज़ार कईयों से इसी तरीके से चंदा जमा की थी और लोगों से अपनी गरीबी अपनी मोहताजगी और अपना इफिलास वो सब बता बता के जो है ऐसे कई लोगों के पास से उसने जो है चालीस पचास इस तरीक़े से जमा की और जमा करने के बाद शादी ऐसी की उसने अपने लोगों को बताने के लिए कि हम भी किसी से कम नहीं है देखो भीख मांगकर शादी हो रही है भीख मांगकर और भीख मांगकर जो शादी की जा रही है उसमें भी ऐसा पैसा उड़ाया जा रहा है सिर्फ शान बताने के लिए अल्लाह रहम करे रे भाई इस कौम के हाल पे अल्लाह रहम करे अल्लाह रहम करे जिसको इतनी अक्ल नहीं है इतनी इतना सेंस नहीं है कि वही औरत इतने लोगों से भी अगर उसने पैसे जमा की थी वही पैसों से कोई कारोबार वो सेट करती वो पैसे को जो है अपनी बेटी के लिए कोई मकान लेकर उसको देती या कुछ ना कुछ उसका इन्वेस्टमेंट करती तो फ्यूचर में काम आते थे लेकिन उसने उसको पूरे पैसे उड़ा डाली उसके अंदर वीडियो कैमरा भी देखो भीख मांग के शादी की जा रही है उसमें भी वीडियो कैमरा भी घूम रहा है उसमें डीजे कव्वाली प्रोग्राम धींगाना अल्लाह रहम फरमाए तो मुसलमान कौम जो गरीब है मुफलिस है दूसरों को आप उसका दोष नहीं दे सकते ये खुद खुद अपने करतूत की वजह से कौन बोला आपको कौन बोला कौन आपको अरे मैं बताता हूँ यार आपको मेरे पास में इतनी कारगुजारियाँ हैं इतनी कारगुजारियाँ हैं ये शादी ब्याह वलीमों में फजूल खर्ची करके बाद में भीख मांगने वालों की ऐसे ही एक शादी के अंदर जाने का मौका मिला पता चला कि लड़के वाले ने लड़की वालों से कहा कि भाई देखो हमारे जो मेहमान आएंगे उनके लिए ये डीजे वीजे बजाना नहीं क्योंकि हमारे जो मेहमान हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है इसलिए बोले हम लोग सिंगर भी जो है मुंबई से खुद अपने साथ में लेकर आने वाले हैं अब उन्होंने मुंबई के किसी एरिए से जो है एक गरीबों के यो यो हनी सिंह को उठा के लेकर आ गए वहाँ पर अब ये जो गरीबों का यो यो हनी सिंह था इसने अपने हाथ में माइक लेके स्टेज के ऊपर कुदिया मारना और जो है धिंगाना करना शुरू कर दिया पता चला कि लड़की वालों ने क्या खर्चा किए वो तो अलग हो गया जो लड़के वाले थे उन्होंने उस शादी के अंदर 25 लाख रुपये से ज़्यादा खर्चा कर दिए और इसी तरीके से जो वलीमा भी था ग्रैंड पार्टी उसके अंदर ग्रैंड पार्टी और उसके अंदर भी लाखों रुपये पानी के जैसे ख़र्चा कर दिए गए लेकिन छः महीने भी नहीं गुज़रे छः महीने यानी जो लाखों रुपये ख़र्चा किए थे जिस शादी के ऊपर उसको छः महीने भी नहीं गुज़रे और दोनों के बीच में तलाक हो गया वो रिश्ता ख़त्म हो गया अल्लाह हिफाजत फरमाए मुझे जब इस बात की इतना मिली मैंने कहा अय अल्लाह तलाक़ ही अगर इन लोगों को करना था तो सादा सिंपल निकाह करते अब ये इतना जो इन्होंने ख़र्च किया इतना जो ख़र्च किए थे बेचारा ग़रीबों का यो यो हनी सिंह वो भी उनके प्रोग्राम में आया हुआ था उसको लेकर आए बम्बई से इतना बड़ा हॉल किए इतना सब कुछ किए और वो सब कुछ करने का आउटपुट क्या मिला अल्लाह हिफाजत फरमाए अब आप मुझे बताओ ये सारी फजूल ख़र्ची करने के लिए कौन ज़िम्मेदार है कौन जिम्मेदार है इसके लिए कौन कौन है गरीबी का ज़िम्मेदार ख़ुद वो लोग हैं जिनको बहुत खुजली है बहुत शौक़ है शादियों में फ़ूल ख़र्ची करने का वलीमों में फ़ूल ख़र्ची करने का तो मैं यही कहता हूँ भाई शादी वलीमा उसको एकदम सादा करो और वही पैसे वो जो 25 लाख रुपये शादी पे ख़र्च किए अरे भाई वो 25 लाख रुपये में एक ऐसा बिजनेस बेहतरीन तरीक़े से आप सेट कर सकते हैं जिस बिज़नेस के ज़रिए से आप हर साल 25 लाख रुपये कमा सकते हो लेकिन अल्लाह हिफाजत फरमाए तो हमारी ये जो कौम है जिसमें आपको ग़ुरबत जिसमें आपको अफिलास जिसमें आपको फ़ाका कशी नज़र आती है इसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा आमदनी से ज़्यादा ख़र्चे शादी ब्याह की फ़ज़ूल ख़र्चियाँ बच्चों के बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी घर में खाने पीने को नहीं है जवारी बाजरी के वांदे है दाल चावल के वांदे है बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग कर खाते अल्लाह हिफाजत फरमाए और हम तमाम को अकल सलीम अतः व असलमकुम व वर्का